वेल फ्रेंड्स, क्यों ना आज सीखा जाए स्वीट एंड सोर चटनी की रेसिपी, जिसे इंस्टेंटली कुक किया जा सकता है। ये काफ़ी टेस्टी होती है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। अमावट की चटनी बनाने के लिए हम लेंगे करीब 200 ग्राम अमावट। आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं, जितना भी आपको लेना है। ये देखिए, अमावट कुछ इस तरीके से दिखता है। इसे कई जगह आम पापड़ भी बोला जाता है। आपको याद होगा, आपने बचपन में इसे खूब मन से खाया होगा। ये अक्सर किसी फ्रूट सेलर के यहाँ या किसी ग्रॉसरी शॉप में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। चीनी 100 ग्राम, किशमिश करीब 15 से 20, काला नमक हाफ चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ चम्मच, दालचीनी पाउडर 1/4 चम्मच से भी कम। अब एक नॉनस्टिक पैन लीजिए, उसमें करीब हाफ कप पानी ले लीजिए और इसमें हम अब चीनी डाल देंगे। चीनी को थोड़ा पकाना है, मीडियम आंच पे चीनी को पकाना है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, एक तार की चाशनी से भी कम हमें इसे रखना है। अब हम जो आम पापड़ हमने लिया था उसके छोटे छोटे पीसेस उसमें सटे हुए रहते हैं, तो उसको इस तरीके से निकाल लेना है। इस तरीके से पतला पतला निकाल के रख लीजिए। और अब हम इसे, जो हमने चाशनी बनाई है, अब हम उसमें डालेंगे। चीनी हमारी पिघल गई है, अभी एक तार की चाशनी नहीं बनी है। अब हम इसमें आम पापड़ भी, अपना जो अमावट है, इसे डाल देंगे। इस तरीके से इसे डालना है। ये चटनी बहुत ही क्विकली बनती है, इसे बनाने में कोई झमेला नहीं है, बहुत जल्दी तैयार होने वाली चटनी है। इसके साथ ही इसमें आप मिर्च डाल दीजिए। हमने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ली है, उससे रंग काफ़ी अच्छा आता है। और अब हम नमक डाल देंगे और इसके साथ ही इसमें किशमिश भी डाल देंगे। और अब हम इसे इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। ये हमारा जब तक गल नहीं जाएगा तब तक हमें इसे चलाना है। इसमें पानी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख के डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये चटनी अभी काफ़ी गाढ़ी लग रही है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे, ताकि जब तक हमारा ये अमावट या आम पापड़ इसमें गलेगा तब तक यह पक जाएगा पानी भी। ये देखिए, करीब हाफ कप पानी मैंने और डाला है, तो करीब हमें 2 कप पानी लेने से 200 ग्राम अमावट हम 2/3 कप पानी में लेंगे पकाएंगे, तो यह इसका ठीक अनुमान रहेगा। चटनी की कंसिस्टेंसी अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी रखनी है तो आप 1.5 कप लीजिए या 1 ही कप लीजिए, और अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली रखनी है तो आप 2 कप पानी में इसके पकाइए। जो लोग कम चीनी लेते हैं वह इसमें चीनी की क्वांटिटी कम भी रख सकते हैं अपने स्वाद के हिसाब से। और अब हम इसमें दालचीनी भी डाल देंगे। ये देखिए, क्योंकि ये देखिए ये लगभग पक चला है और 2 से 4 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएगा। अब देखिए, आपकी ये चटनी रेडी है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी हमने इस तरीके की रखी है।